कर लीजिए, पीजिए सर, सब पी जाइए, सब पीजिए शाबाश। जरा जल्दी कर ले, मेहनत अपनी होगी नजरों में पाकिस्तान। अपने हीरोज ओलंपियन इस्लाउद्दीन भाई, आप छोड़ेंगे? पहचान कभी न भूलो है तुम्हारा पाकिस्तान, मोहब्बतों के ये तुम मेरे वतन को बचा के रखूंगा, मेरे वतन मेरे को बचा के रखूंगा। और एक बार फिर ब्रिगेडियर मोहम्मद शबीर साहब को भी हम ये बताते चले कि आज जो ये तकरीब मुनक्किद की गई है इसके अंदर 21 स्कूल हैं जो कि शिरकत कर रहे हैं, और यहाँ पर 100 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इन डिफरेंट मुकाबले होंगे जिसमें शिरकत करेंगे। और ये जो 2000 दिन की तकरीब है ये इसी दिन, इसके साथ साथ ओलंपियन सलाउद्दीन और स्पोर्ट अपनी सलाहियत के एतबार से, अपनी काबिलियत के एतबार से और अपनी मासूमियत के जौहर दिखाएंगे। मुख्तलिफ गेम्स में ये पार्टिसिपेट करेंगे, अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हुए हैं बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्या कहेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं, जितने भी ग्रुप्स यहाँ पर आ रहे हैं उनमें काफी जोश नजर आ रहा है। और स्पोर्ट बोर्ड स्पेशल गेम का 2 रोजा मेला सज चुका है और इस वक्त मार्च का जो सिलसिला है वो एनजी ने भी बड़ा किया कि उन्होंने इन स्पेशल बच्चों के लिए जो है वो अपनी जगह हमें प्रोवाइड की, इसके साथ साथ बिताई हुई। बिल्कुल, और इस वक्त कराची वोकेशनल एंड ट्रेनिंग सेंटर KVTC के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स, मालूम यूँ होता है कि KVTC तमाम ही गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही है और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के साथ। इतनी धूप है और आज तो मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें सिटी स्कूल, फिजिकल एजुकेशन कॉलेज और हेल्थ और तमाम हाजरे महफिल और प्रिंसिपल्स को मैं तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। इस सिलसिले में मैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तकरीब को सजाने में हमारी मदद की, और पाकिस्तान रेंजर्स 72 भिटाई रेंजर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी तमाम तर सलाहियतें हमारे साथ मिलकर ये सब ये प्रोग्राम जो है मुनक्किद कराने में हमारी मदद की। मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि प्रोफेसर इकबाल मेमोरियल ट्रस्ट 1976 से काम कर रहा है स्पेशल बच्चों के लिए। प्रोफेसर इकबाल मेमोरियल ट्रस्ट मजहबी और इस मारूफ सियासी शख्सियत प्रोफेसर इकबाल अहमद खान की याद में इसकी बुनियाद रखी गई थी, और इसका मकसद खसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ साथ उनको ऐसा हुनर फराहम करना था जिसके बलबूते पर वो माशरे का हिस्सा बन सके, और खेलों और दीगर सरगर्मियों के जरिए उनमें हौसला अफजाई पैदा करना कि वो अपनी ज़िंदगी बगैर किसी मोहताजी के गुजार सकें। वो वालदैन जो महंगी महंगी फीसें अदा नहीं कर सकते उनको बच्चों को भी इस माशरे का हिस्सा बनाने के लिए अनथक कोशिश करें। ये ट्रस्ट इन बच्चों को हुनर सिखाने के साथ साथ इसी तरह के स्पोर्ट्स इवेंट हर साल मुनक्किद करता है। ये
इवेंट में ना सिर्फ इकबाल मेमोरियल ट्रस्ट बल्कि पूरे कराची से 19-20 तकरीबन 20 जो है स्कूल शामिल होते हैं हर साल, और इसमें तकरीबन 700-600 बच्चे हिस्सा लेते हैं हर साल। इस सिलसिले में मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, नेशनल बैंक, अरेबियन सी कंट्री क्लब, हुकूमत सिंध, महकमा खेल और नौजवान आने अमूर, उन सबको एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। इस मरतबा सिंध रेंजर्स और एनडीडी यूनिवर्सिटी ने भी हमारे लिए बहुत कुछ मेहनत की, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम आज मुनक्द किया गया। लिहाजा अब हम इस खेल का बाकायदा से सलाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम सब यही कोशिश करेंगे कि फेयर प्ले का मुजाहरा करें। थैंक यू वेरी मच। और यह आगाज हो गया है व्हील चेयर रेस का। बच्चों का जोश दिखाई दे रहा है और ये व्हील चेयर रेस में सबसे आगे एक पार्टिसिपेंट